dam be be kanai tam pri pri kanai tam pri pri bo dam be be. Hello everyone, welcome to another vlog. Today we are traveling from our hometown Haflong to Shemkhor. Shemkhor jo jagah hai recently bahut charcha mein raha hai because of the movie Shemkhor, which is directed and produced by Aimi Borua. ये शेमखोर मूवी में जो डिमासा कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस है उसको बहुत गलत तरीका से दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया है डिमासा कल्चर को और शेमखोर में रहने वाले लोगों को. फॉर एग्जांपल, ये मूवी में दिखाया है कि जब एक डिमासा माँ बच्चे को जन्म देते वक्त अगर उसका डेथ हो जाता है तो बच्चा को भी जिंदा गाड़ देते हैं. ये कल्चर कभी भी डिमासा ट्रेडिशन में प्रैक्टिस नहीं किया गया है. तो चलो आज का ये व्लॉग में आइमी बोरुआ का कुछ कुछ स्टेटमेंट्स का हम लोग डिबंक करेंगे और एक जर्नी में आपको लेके जाएंगे टू शेमखोर विलेज. माइबंग बोलते हैं एक जगह, वहां से शेमखोर सिर्फ 23 किलोमीटर है डिस्टेंस, लेकिन टाइम लगता है 3 आवर्स बिकॉज समसा लोगों ने बीच बीच में रास्ते के बीच ड्रेन बना दिया काट के ताकि जल्दी कोई पहुंचना मतलब सके वहां पे. और रास्ता तो वो लोग बनाने ही नहीं देता है. नॉर्मली बस नहीं है, छोटा सा टेम्पो बोलते हैं वहां पे. वहां पे वीकली एक जाता है लेकिन वहां पे कोई आदमी वहां से नहीं आता है. सिर्फ वो लोग क्या होता है, हम लोग रोंगा लाओ बोलता है पम्पकिन, वो पम्पकिन वहां से वो लोग भेज देता है. हाँ, कुमरा वहां भेज देता है गाड़ी में. वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि उनको चाहिए भी नहीं. वहां पे अगर कोई सब्जी जाता है वो खाते भी नहीं है. मैं एक बार पूछा कि ये क्यों भेजते हो, वो लोग बोलता है कि ये तो कुछ आता है आवाज करके ऐसे ही वहां पे उठा देते हैं हम लोग. तो उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो हम क्यों उन लोगों को डिस्टर्ब करें. तो चलो आइमी बोरुआ का ये थ्योरी और स्टेटमेंट को डिबंक करने के लिए हम एक स्टॉपेज रखते हैं एट माइबंग टाउन. माइबंग जो टाउन है वो शेमखोर से सबसे नियरेस्ट टाउन पड़ता है. और आज जब हम लोग माइबंग पहुँचे तो शेमखोर का विलेजर्स दे वर ऑलरेडी देयर, ये सब हैंडीक्राफ्ट्स बेचने के लिए. सो दीज हैंडीक्राफ्ट्स आर मेड बाय दिस शेमखोर विलेजर्स. ये लोग शेमखोर से है, ये लड़का ने खुद अपने हाथों से बनाया है. और दे केम टू माइबंग टाउन अराउंड 23 किलोमीटर्स अवे जस्ट टू सेल दिस इन द मार्केट. उसके बाद वी मेट दिस लेडीज, ये लोग भी माइबंग मार्केट में आया टू सेल सम वेजिटेबल्स जो खुद वो लोग ने उगाया अपना बस्ती में शेमखोर में. तो वो लोग के साथ बात करके मालूम हुआ कि बिकॉज शेमखोर जाने में बहुत तकलीफ होता है रास्ता के लिए, कभी कभी गाड़ी नहीं मिलने से पैदल भी जाता है, लेकिन ये लोग आज आफ्टर द मार्केट डे वो लोग नेक्स्ट दिन को रिटर्न जाएंगे और रात माइबंग में ही गुजारेंगे. सो आप देख सकता है कि आइमी बोरुआ ने जो बोला कि शेमखोर के लोग बाहर भी नहीं आना चाहते हैं, जो गाड़ी कभी कभी आता है वहाँ में अपना सब्जी बेच देते हैं बट वो लोग खुद आना नहीं चाहता है, ये कितना गलत है. बिकॉज ऑल दिस विलेजर्स वेर गोइंग टू माइबंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रोड्यूस. और शेमखोर का लोग खुद अपना रास्ता तोड़ देते हैं ऐसा बोला है. सो आप सोचिए कि मतलब विलेजर्स लोग इतना तकलीफ करके खुद से रास्ता भी तोड़ेगा और फिर यही रास्ता में तकलीफ करके वो लोग माइबंग मार्केट में क्यों जाएगा. नॉट जस्ट माइबंग मार्केट, एनी अदर प्लेस आउटसाइड शेमखोर. तो हम लोग गया रास्ता में, कंटिन्यू किया हम लोग का जर्नी. तो देखा तो यू नो रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब है. कुछ कुछ रास्ता तो लैंडस्लाइड के वजह से रिसेंटली ज़्यादा ख़राब हुआ है, लेकिन ये जो रोड है वो बहुत साल हो गया है, अराउंड 20 इयर्स हो गया है कि ये रास्ता का रिपेयर नहीं हुआ, नया से बना नहीं. जो पहले 20 साल पहले जो रास्ता था वही ही है, उसके बाद और कुछ इसका अच्छी तरह से रिपेयर नहीं हुआ. एंड दैट इज़ वाई ये बार बार स्पेशली जब भी बारिश देता है रास्ता का हालत ऐसा हो जाता है. इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि वहां पे आज तक कोई भी आदमी स्कूल नहीं गया. आइमी बोरुआ का ये स्टेटमेंट तो
शेमकोर पहुंचने साथ साथ ही डिबंक हो गया, बिकॉज गाड़ी से उतरते ही सेम टाइम स्कूल का छुट्टी भी हुआ था, तो इसलिए वी गॉट टू मीट सम स्टूडेंट्स, सम चिल्ड्रेन फ्रॉम शेमकोर विलेज. हम लोग साथ में थोड़ा बिस्किट पैकेट्स लेके आए थे, सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू देम, एंड दे आर वेरी स्मार्ट किड्स, ईजिली हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे. उसके बाद गाड़ी एक जगह है जिसका नाम है मेडिकल हार्डिंग, वहाँ तक ही गाड़ी जा सकता है, तो वहाँ हम लोग ने गाड़ी रखा और वहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ता है टू रीच शेमकोर विलेज. आप देखिए एक छोटा नदी पार करना पड़ता है और उसको पार करने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज है, लेकिन हैंगिंग ब्रिज का हालत ऐसा है. सो ये हम लोग को मालूम चला कि रिसेंटली जब बारिश देने में एक बड़ा पेड़ गिर गया था जिससे ये हैंगिंग ब्रिज डैमेज हो गया, बट फिर भी देख के आप बता सकता है कि जो क्वालिटी है वो हैंगिंग ब्रिज का वो बहुत ही चीप क्वालिटी का बनाया गया है. ये वैसे भी ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा, इससे तो अच्छा है हाफलोंग लेक के ऊपर में जो हैंगिंग ब्रिज है इससे फार बेटर क्वालिटी है. तो आप समझ सकता है अगर हाफलोंग टाउन में जहाँ में इतना रोड्स एग्जिस्ट करता है वहाँ में लेक के ऊपर इतना एक स्टर्डी वाला अगर हैंगिंग ब्रिज दे सकता है, तो शेमकोर जो ये बस्ती है इसको शेमकोर वन बोलता है, ये बस्ती में यही एक रास्ता है जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं. तो एक नदी को पार करने के लिए वाई कांट वी प्रोवाइड ए बेटर ब्रिज, ए मोर स्टर्डी ब्रिज, हम लोग क्यों ये दे नहीं सकते हैं? तो उसके बाद थोड़ा हम लोग उनको एक अपहिल क्लाइम करना पड़ता है, उसके बाद ही वी रीच शेमकोर वन विलेज. इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक कनेक्शन पहुंचा नहीं है, मतलब पावर ग्रिड का, इसलिए यहाँ में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सोलर जनरेटेड है. सोलर का जो कैपेसिटी है थोड़ा लिमिटेड है. शेमकोर में ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और बस्ती में जाके मालूम हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेज हैड गॉन टू देयर झूम एरिया, और इसलिए वो लोग वापस आते आते शाम हो जाएगा अपना झूम एरिया से. अभी भी कुछ कुछ सुपरस्टिशंस वहाँ पे है, जैसे कि मैं वहाँ पे ड्रोन से कुछ शॉट्स ले रही थी तो अचानक से सारे लोग स्टोन्स, ये जो फायर, ये सब लेके भाग के घर से आ गया और ड्रोन की तरफ फेंकने लगा, तो मेरा तो कैमरा टूट जाएगा. मैं इतना समझा कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ कैमरा, हम लोग ले रहे हैं कुछ शॉट्स. तो वो लोग ने बोला कि ब्लैक मैजिक है, इसको हम तोड़ेंगे और आप लोग गांव से निकलो. तो आईमी बरुआ का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मैंने सोचा कि चलो ड्रोन लेके जाते हैं और रिएक्शन देखते हैं. वैसे तो व्हेनेवर आई फ्लाई ड्रोन्स, स्पेशली बच्चे लोग बहुत ही अम्यूज्ड होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो. So I can understand that people will always be curious watching a drone. ये खाली rural areas का बात नहीं है, urban areas में भी जब भी मैंने drone उड़ाया है people are very curious. Many people see it for the first time. जब शेमकोर में मैंने ये drone उड़ाया बहुत curious था, हमको पूछ भी रहा था ये क्या है, और वो लोग को screen में भी हम दिखा रहा था कि ये drone क्या कर रहा है, कैसे बस्ती का ऊपर से एक aerial view दिखाई देता है. ऐसा रिएक्शन नहीं था किसी का भी ड्रोन देख के कि मतलब भाग जाए, नहीं तो पत्थर और आग से जाके ड्रोन को अटैक करे, ना किसी ने सोचा कि ये कोई ब्लैक मैजिक है. ये शेमकोर का एलपी स्कूल है, अभी ये खाली होके है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और गांव के लोगों के साथ बात करने के बाद पता चला कि most of the students now study in a private school. ये गांव का पास में एक प्राइवेट स्कूल खुला है, तो वो लोग अभी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, लेकिन ये एलपी स्कूल में अभी भी दो टीचर्स यहाँ में स्टेशनड है. एक तो गांव का ही है एक टीचर और एक माईबंग से आता है, लेकिन क्लासेस तो अभी नहीं हो रहा है. स्कूल का हालत तो आप देख ही सकता है. पहले फिल्म तो अभी मैं बहुत चाहती हूँ कि दिखाऊं. एक दिन मैंने क्या किया था, एक स्टिल फोटो खींचा था उनका, इमीडिएट जो निकाल फोटो निकाल सकते हैं, वहाँ से फोटो खींच के एक लड़की को दिया, उसने ऐसे चिल्ला के फोटो को फाड़ के मतलब आग में डाल दिया, फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे मत करो, ऐसे करोगी तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे.
तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊं उसे कि आप लोगों को लेके मैं एक फिल्म बना रही हूँ ऐसा। सी, जब भी हम लोग किसी का फोटो खींचते हैं या वीडियो खींचते हैं, लेट इट बी इन रूरल एरियाज, लेट इट बी इन अर्बन एरियाज, द बेस्ट थिंग टू डू, द एथिकल थिंग टू डू, लेट देम नो कि ये वीडियो आपका हम यूज करेगा, अपलोड करेगा कोई जगह में, उससे कुछ ऑब्जेक्शन है या नहीं आपका कोई। मैंने भी शमखोर में जब भी मैंने वीडियो लिया तो वो लोग को भी पूछा है, बताया है कि हम किस वजह से वीडियो शूट कर रहा है, फोटो ले रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक शमखोर का औरत धान कूट रही थी, तो एक सुंदर सा नज़ारा था, ये एक सुंदर सा सीन था, तो मैंने परमिशन मांगा। एंड देन शमखोर का लोग बहुत स्मार्ट भी है और वो लोग पूछते भी है कि ठीक है, आप लोग वीडियो बना रहा है, क्या गले बना रहा है, तो अगर आप लोग वीडियो बना रहे हैं और मेरा फुटेज ले रहा है तो यू शुड पे ऑल्सो। तो मैंने हंस के एग्री कर दिया और बोला कि हाँ, यस ऑब्वियसली, यू नो, अगर मैं आपका वीडियो कुछ फुटेज ले रहा हूँ और वो मैं यूज़ करूँगा तो आपको भी हक बनता है अपना शेयर मांगने के लिए। सो इनफैक्ट दैट वे दे वर वेरी राइट, आई ऑब्लाइज्ड। और उसके बाद ये दो लड़का मिला हमको, बिकॉज आईमी बोरवा ने ये भी बोला था कि बच्चा लोग भाग जाता था, यू नो, वीडियो रिकॉर्डिंग करने से, फोटो रिकॉर्डिंग करने से। आईमी बोरवा ने बहुत अननेचुरल चीज़ जैसे प्रेजेंट किया। आई थिंक इट इज़ क्वाइट नेचुरल एक्चुअली टू बी शाई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ये लड़का लोग भी बहुत शाई था पहले में, फिर मैंने समझाया कि नहीं, तुम लोग गा सकता है, एक बार गाओ ना, सुनाओ हमको। तो वो लोग को ज़्यादा कन्विंस करना नहीं पड़ा एंड दे सैंग वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी नाइसली, वेरी सोलफुली। साथिंग का जीवने रोमा ठपलाने रोखाओ वो सखाओ वो कौनिंग कव्याला रोखाओ वो सखाओ वो कौनिंग कव्याला साथिंग का जीवने रोमा ठपलाने रोखाओ वो सखाओ वो कौनिंग कव्याला साथिंग का जीवने रोमा ठपलाने रोखाओ वो सखाओ वो कौनिंग कव्याला अलग रंग बा वो डंबे बे खनाई ठंप्री फ्री खाने ठंप्री फ्री वो डंबे बे नसाई राव ने भाई बाबो कोराया थे बिरंदु जरगा कुरुरी दबरी मुझं दिस बनी लौटाई लबुबा दबरी मुझं दिस बनी लौटाई लबुबा रुखाई लंग जबरी आजं खाबो सलाउया परंग जुसे गमलामा अंगे गमाया परंग जुसे गमलामा अंगे गमाया नेकुला नेकुला नेलेला बुकुं सलाउला नेकुला। सो It's just the way that you ask, it's just the way that you explain, and it's just the way ki tum transparently wo log ke saath mein agar deal karne se. There are many difficulties faced by the villagers. Obviously, communication and transportation are two of the biggest issues. Occupation ka yahan aur acha opportunities hona chahiye. वो बस्ती लोग का भी एक सपना है, एक मांग भी है, क्योंकि यहाँ जो झूम करते हैं, जो एग्रीकल्चर में वो लोग इन्वॉल्व है, वो मोस्टली सेल्फ सस्टेनेंस के लिए है, खुद के लिए है, खुद का फूड सप्लाई के लिए है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है वो लोग सेल करने का कोशिश करता है, बट दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट इनफ। लेकिन टैलेंट बहुत है, especially handicrafts में और घर बनाने में, हाउस कंस्ट्रक्शन। लेकिन गांव वाला लोग ने बोला कि हाउस कंस्ट्रक्शन में भी जो बैम्बू और वुड का जो वर्क है उसमें दे आर गुड, बट जो मॉडर्न मेथड्स है ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, जैसे कि सीमेंट रॉड, ईटा, ब्रिक्स, उसमें वो लोग का नॉलेज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग को सीखने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा देन दे वुडन लर्न, ऐसा नहीं है। वो लोग हैप्पीली
दे वुड लाइक टू लर्न। लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखो हम लोग खुश क्यों नहीं है, ये भी एक बात है कि हम क्यों इतने सारे चीज को लेके खुश नहीं है, लेकिन वो लोग कैसे खुश हो सकता है इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके, वही मेरा इंटेंशन था। Many people romanticize, especially with indigenous tribal people and their lifestyle, कि you know, ये लोग बहुत सिंपल लोग हैं, वो लोग अपना लाइफ में with कम चीज, with few things, with few materialistic things, वो लोग खुश है और वो लोग को ऐसे ही अनटच रखना चाहिए। एंड मैनी ए टाइम्स ये एक बहुत प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा थॉट्स आता है, और मैनी ए टाइम्स ये एक रोमेंटिसाइज करके हम लोग पॉवर्टी को हम लोग को जस्टिफाई भी करना चाहते हैं। वेरेस जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग खुद ही अपना मटेरियलिस्टिक दुनिया से तो बाहर तो नहीं निकलते हैं, इनफैक्ट वी वांट मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट समहाउ वी रोमेंटिसाइज कि जो लोग इंडिजिनियस पीपल लोग अभी भी जो बस्ती में रहते हैं वो लोग को तो ज़्यादा चीज़ चाहिए नहीं, वो लोग उसमें खुश है। इनफैक्ट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। द रियलिटी इज कि सर्कमस्टेंसेस के वजह से वो लोग को ऐसा जीना पड़ रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट बाई चॉइस। और यही चीज़ शमखोर में भी यही रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग को कुछ नहीं चाहिए, दे डोंट वॉन्ट कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन अगर सुविधाएं नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वो लोग क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, विद वट एवर रिसोर्सेस दैट वी कुड फाइंड, हम लोग ने सोचा कि शमखोर बस्ती में जाके विल लैंड ए हेल्पिंग हैंड। कुछ कुछ चीज़ हम लोग ने जाके डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देवर मोर देन हैप्पी, देवर मोर देन हैप्पी टू मीट अस एंड फॉर अस to be able to share this connection, to share this love, you know. These are not just materialistic things, I feel. These are a medium of helping each other, making our lives more comfortable. And we deserve to live our lives more comfortably. इनफैक्ट हम लोग को क्वेश्चन करना है कि जो हम लोग को टैक्स पेइंग मनी है वो कहाँ जाता है। इनफैक्ट हम लोग को क्वेश्चन करना है कि सरकार से जो पैसा स्पेंड होना चाहिए और जो सैंक्शन होता है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हम लोग उन विथ एडुकेशन एंड अवेयरनेस कैसे हम लोग उन वी कैन क्रिएट बेटर एंड मोर कम्फर्टेबल लाइफ्स। वो लोग अभी भी बोलते हैं कि हम लोग अपने आप में ओरिजिनल हैं, हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप लोग हमें आप लोग की दुनिया में मत लेके जाओ।